आज की शाम ये अवार्ड मिला आपको, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या अवार्ड है। ये अवार्ड है 20 साल इंडियन टेलीविजन एकेडमी को पूरा होकर उन्होंने उन लोगों को जिसे कहते हैं सराहाया है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रियाज बाती हम मेरा एक ऐसा शो था जिसमें मेरा इतना सुंदर किरदार था, इतना मज़ेदार किरदार था जिनको लगता था लोगों को कि वो उनकी खुद की अपनी है, तो उसको रिकग्नाइज़ किया है और यू नो जब फैंस का इतना प्यार मिलता है जब हम देख रहे हैं मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आप इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों को पसंद करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं और आपने अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपका अगला काम उससे भी बेहतर होना चाहिए। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा कठिन हो जाती है क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। 2021 की शुरुआत इस साल की इंतजार लोगों को बहुत ही बेसब्री से था, हम साल में फाइनली आ गए हैं, नाउ आपको आवाज़ भी मिल रही है, और क्या कुछ आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट हम देखेंगे आपकी? मेरा एक शो आ रहा है सोनी पे कि उठे दिल छोड़ आए, उसमें मैं बहुत ही प्यारा रोल कर रही हूँ, वो है मोगर बुआ का, और वो हर बात पे कहती है रब 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 रब, तो अभी भी मैं कहूँगी रब 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 रब, तो ज़रूर देखिएगा सोनी पे 9 से 10 आएगा कि उठे दिल छोड़ा है। हाँ जी मैं रेडी हूँ, चलो रोल सकता हूँ चलिए। तो 20th ITA अवार्ड के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। डोनल जी आप बताइए कि क्या फील करती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं क्या फील करती हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि आफ्टर अ वाइल एक साल हो गया है जब से कोई भी अवार्ड नहीं हुआ, अदरवाइज कितने सारे अवार्ड्स हुआ करते थे, एंड फाइनली अनु मैम, शशि रंजन सर, इन लोगों ने ITA अवार्ड एज यूजुअल हमेशा जो सबसे टॉक्ड अबाउट अवार्ड होता है हुआ फाइनली, एंड आई एम रियली हैप्पी कि सबको मैं यहाँ पे मिली एंड सब आए फाइनली, एंड आफ्टर सब टेक केयर ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब ऐसे फ्रीली घूम रहे हैं, बट या वेरी इंपॉर्टेंट टू मिंगल विद पीपल ऑल्सो यार। आज की शाम एक्सपेक्टेशन में क्या रखती हूँ, सो मेनी अवार्ड्स, आई एम ऑल्सो गिविंग सम अवार्ड टू समवन, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि सबको जो भी डिजर्वेबल हैं उनको अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सो मेनी डांस परफॉर्मेंसेस, एंड आई एम हैप्पी कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद ही कर रहे हैं। यू नो ब्यूटीफुल आउटफिट है, अगर आपको बता सके जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू। सो माय स्टाइलिस्ट शी डज एवरीथिंग आशना, सो या थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार थोड़ा डेक्ड अप हो जाते हैं, इट्स अ वाइल एक्चुअली कि हम लोग डेक्ड अप नहीं हुए हैं एंड सजे धजे नहीं हैं अच्छे से, एंड अवार्ड फंक्शन से बेटर क्या हो सकता है, डेक्ड अप नाइसली। एंड मैं सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी बोलना चाहती हूँ, एंड लव यू ऑल, एंड यस पुलवामा का भी सेकेंड एनिवर्सरी है, श्रद्धांजलि, तो उनके लिए भी नमन। सो बस हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू, एंड 2021 साल का इंतजार लोगों को बहुत ही बेसब्री से था, 2021 सबको बेसब्री साइलेंस प्लीज। अब हम आज के बाद बताइए कि क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेंगे आपकी तरफ से सर? ये ही अदरवाइज और भी है
है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ें हैं, एंड आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ व्हाट इट इज़, बट जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड आई थिंक जो वेट है वो वर्थ वाइल सबके लिए, मेरी ऑडियंस के लिए होगा, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि और कुछ भी ना हो पेंडेमिक और या कुछ भी चीज़ें चेंज ना हो, बस ऐसा जैसे 2021 शुरुआत हुई है और चल रहा है ऐसा ही चलता रहे, बस भगवान की दया से. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, एंड गुड लक. थोड़ा सा यहाँ पे विजुअल्स करेंगे. हाँ जी मैम, साइलेंस मैम, रुकिए. थैंक यू, नाइस लर्निंग. प्यार है ये मीडिया वालों का. जी बिल्कुल. मैम रुकिए. हम छोटे शाम को अगर आपको बताना चाहें कि कितने एक्साइटेड है आज की शाम को लेकर, हम क्या कहना चाहेंगे? वन बाय वन ये रिपोर्ट लेके आते हैं, ये रिपोर्ट करेंगे. ये टीम क्राइम पेट्रोल सतर्क ही है, ये सतर्क नहीं है, सीआईडी नहीं है, ये क्राइम पेट्रोल की टीम है. बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए फर्स्ट क्या रिपोर्ट लेके आए हो भाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या है, बता दो. नहीं मैं तो कॉल रिकॉर्ड निकालने में एक्सपर्ट, बता दो. मैडम व्हाट अबाउट यू? आज के सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए हैं और जिस जिसको अवार्ड मिल रहा है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट है, वो तभी पता चलेगी जब ये अवार्ड फंक्शन खत्म होगा. तो यही इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. और इनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इंट्रोगेट हम लोग कर लेंगे कि अवार्ड क्यों और कैसे दिया गया है. और जितना भी इंटरोगेट किया उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि आज की जो अंदर शाम है वो बहुत मज़ा आने वाला है. बट वही एक्साइटमेंट है, देखते हैं कि अंदर क्या होता है. हर अवार्ड फंक्शन में अपना एक अलग होता है, आईटा का अपना एक अलग चार्म है. तो लेट्स सी, अंदर कुछ ना कुछ धमाल ही होगा. यू नो सर, मैडम की पैंडेमिक के बाद से जिस तरह से हम सभी बाहर आए हैं, जिस तरह से हमें ये अवार्ड देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं एंड नाउ हम सभी 2021 में आ गए, जिसका इंतजार लोगों को बहुत ही बेसब्री से था. तो पैंडमिक के बाद मुझे लग रहा है कि हम सबके चेहरे से ही देख रहे हैं कि हम लोग कितना तरस रहे थे बाहर आने के लिए, कितना तरस रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए. तो अब वो शायद ऊपर वाला करे कि वो बीमारी चली गई, और फिर भी एहतियात रखना ज़रूरी है, थोड़ा सावधानी रखनी ज़रूरी है. एहतियात रखते हुए, सावधानी रखते हुए अब ज़िंदगी को इंजॉय करें. वी आर ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल लाइफ. मास्क रह गए हैं और सैनिटाइज़र रह गया है, बट अभी इसको छोड़ना नहीं है. वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीनेशन हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें छोड़ेंगे. हम भी अभी मास्क लेके घूम रहे हैं, अब मास्क लेकर घूम रहे हैं, फाइट के लिए उतारा है ये लगा हुआ. अभी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए. थैंक यू. नहीं, मास्क की बात कर रही थी, उनकी बात को कंटिन्यू कर रही थी कि हम सभी मास्क लगा कर आए हैं, और इनफैक्ट शूट करते वक्त भी हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि मास्क लगे हों, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हों और सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हों. तो या ऑल द बेस्ट, इट्स ग्रेट टू बी बैक टुगेदर एंड इट्स वंडरफुल, इट्स लुकिंग वंडरफुल, ऑल द मोर वंडरफुल बिकॉज नथिंग लाइक बीइंग टुगेदर. हमारी ऑडियंस के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए. ऑल द बेस्ट. कैन वन ऑफ यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस फ्रॉम देयर? इसका मोबाइल अच्छा मोबाइल है. जिसमें आपके कैमरे और माइक और हम लोग सब आ जाएं. थैंक यू. Thank you so much guys, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Stay safe. अच्छा ये सब पॉजिटिव है. शादाब को है, आ जाएगा. या और एक तो भाई सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपने कहा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ये मतलब पॉजिटिव है ना, अंदर से दिल तो पॉजिटिव है ना. सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपका जो शो है, मतलब लोगों ने मतलब बहुत ही सीन आपको पे रखा है. क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, जिस तरह से लोग अप्रिशिएट करते हैं, और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे जो मिक्स को शेयर की जा रही है, क्या फील करें आप? आई थिंक सो एक अच्छा एक्टर होने के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं, बट यहाँ पे मैं अगर खड़ा हूँ इन सारे माइक्स के सामने, इन सारे कैमराज के सामने, जिन लोगों को ये देख के खुशी हो रही है, आई गेस उन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. वो प्यार है जो मुझे यहाँ तक लाया है, और वो टीम वर्क है जिसने हमारे शो को बनाया. ये शो इतना अच्छा था कि उसमें काम करके इट हैपनिंग. बी पॉजिटिव.
सो दैट्स अबाउट इट. आई फील रियली ग्लैड. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इन रिटर्न जितना हो सके और मेहनत करनी चाहिए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ सैक्रीफाइस टू कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, बट आई टेक इट पॉजिटिवली. आई एम हैप्पी. आप लोग जितने भी लोग यहाँ से जिस भी कैमरा में सब लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच. अगर आपने मुझे प्यार किया, सपोर्ट किया, यू गाइस आर द रीजन. आई एम For me, it's the first IT award function that I'm attending, and I'm glad that I am here. I'm happy. I feel grateful. I feel honored that I'm part of ITA now. It feels good. And you know, 2021 मुझे लगता है अभी के लिए तो 2000% मैंने अपने कैरेक्टर को दिया है, एंड दैट टेक्स टोल. मतलब आप काफ़ी हद तक उस कैरेक्टर में रहते हो. कुछ और करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. आई हैव टू बी वेरी वेरी ब्रेव टू डू समथिंग एल्स. अभी के लिए तो सिर्फ राधा कृष्ण है. कृष्ण, श्री कृष्ण का किरदार ही मैं प्ले कर रहा हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. Let's see आगे क्या आता है. You guys will definitely know. एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको सभी ज़्यादा जल्दी के अंदर जानते हैं, कृष्णा जी की या कुछ डायलॉग करना चाहिए आप? नहीं, मैं श्री कृष्ण का किरदार वहीं रखना चाहता हूँ. कैमरा के सामने मेरी मैं उतना ये नहीं हूँ कि मैं उनको कहीं इमिटेट कहीं और कर सकूँ. थैंक यू सो मच. सर विजुअल, सर इधर आ जाइए. विजुअल्स का बोलो क्यों आप? अरे मैडम, मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च की राधा कृष्ण के कृष्ण जितना समझ सका मैं वहाँ से बहुत खुशी हो रही है. एक तो 20 साल हो गए हैं आईटी अवार्ड्स को, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरा पहला अवार्ड आईटीए था. और अच्छा लगता है हर साल आईटी अवार्ड्स में आना, क्योंकि एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारी कैटेगरीज जो बाकी अवार्ड्स में नहीं होती हैं, तो कई ऐसी कैटेगरीज हैं जो इस अवार्ड्स में शामिल हैं. और अच्छे कलाकारों की सराहना होती है, और मुझे लगता है काफ़ी जेन्युइन अवार्ड है. और खुशी होती है इस बात की हमेशा जब भी अवार्ड्स में आईटी अवार्ड्स में आती हूँ. और इस बार तो काफ़ी खुशी, क्योंकि लास्ट ईयर आईटी हुआ नहीं था, तो एक इंतज़ार भी था इस अवार्ड का. और उसमें एक एडिशन ऐसी है कि 20 साल हो गए, ये 20वां साल है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शशि जी और अनु जी और एंटायर आईटी अवार्ड्स. क्योंकि आज आकर मैं देख रही हूँ बहुत सारे पुराने चेहरे हैं, बहुत पुरानी टीम है, और वही एंथुजियाज्म और वही एफर्ट्स है इस आईटीए को सक्सेसफुल करने के लिए. खुशी होती है इन सब से मिलके जब भी मैं आती हूँ. थैंक यू सो मच. मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और साड़ीज़ मेरा फेवरेट अटायर है. एंड आई विल टेल यू अबाउट माय साड़ी. दिस इज़ अ वेरी, आई थिंक ये बहुत मेरी फेवरेट साड़ी है. आज बहुत, दिस इज़ अ रितु कुमार क्रिएशन एक्चुअली, और शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स. और साड़ीज में शी इज़ वेरी स्पेशलाइज, और मुझे खुशी होती है जब भी मैं उनके कपड़े पहनूँ. एंड या दिस इज़ माई फेवरेट साड़ी. मैं मेरी सारी फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आज इतने साल हो गए. आई थिंक इट्स बिन मोर देन 10 years कि लोग आज भी सलोनी को जानते हैं और पहचानते हैं. खैर, उसके बाद भी काफ़ी किरदार मैंने किए. उन सारे किरदारों को मुझे वैसा ही प्यार और वैसी सराहना मिली, और उम्मीद करती हूँ कि ये प्यार ऐसा ही बरकरार रहे. सारी महिलाओं को, खैर मुझे लगता है कि महिला दिन एक
कोई नहीं रहता, हर दिन पहला दिन होता है, क्योंकि उसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। घर में तो वही है, बाहर भी वही है, और आज की महिलाएं तो आई थिंक क्या कहना, सब कुछ कर सकती हैं। एंड आई थिंक आई विश ईच एंड एवरी वुमन अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। आई थिंक महिला शक्ति है, और क्या है? I think I'm done. Thank you so much. I'm happy, I'm grateful. I think that's the first time here because of my fans. They started. Thank you. दिल्ली और एनसीआर में जो डेड बॉडीज़ को कैरी करने का और पेशेंट का सेवा कर रहा था, इस कोविड के भयानक समय में हमारा नैतिक फर्ज बनता था, अगर हम सेवा नहीं करते तो ये मुल्क हमें, देश कभी माफ़ नहीं करता, इसलिए हमने सेवा करी और 966 डेड बॉडी को कैरी किया, और इसके अलावा 1400 से ज़्यादा पेशेंट को। ये करते हुए मेरा पूरा परिवार उसमें कोविड में घिरा, और एक ड्राइवर का डेथ भी हुआ, लेकिन हमारा एक नैतिक फ़र्ज बनता था, और इस तिरंगे के सम्मान में हम अपने आप को न्यौछावर किया, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्रपति जी का जिन्होंने हमें पद्मश्री दिया। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो काफ़ी सालों से ये सेवाएं दे रहा है, लेकिन हमने ऐसा ऐसा मंजर देखा कोविड में कि लाशें रोड तक आ गई थी, शमशान घाट के बाद लाइन लगी हुई हैं, नंबर आ रहे हैं, इवन के रिश्वत देनी पड़ती थी कि मेरी लाश पहले जलवा दो, इतना ढेर लग गया था लाशों का। पेशेंट को तो एम्बुलेंस कैरी कर रही थी, लाशों को कोई हाथ नहीं लगा रहा था, सरकार ने भी दिल्ली में हाथ खड़े कर दिए। तो शहीद भगत सिंह सेवा दल ने स्टेपअप किया, और हमने, हमारा मोटिव था डिग्निटी इन डेथ, किसी की भी लाश को हम डिग्निटी के साथ उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म करें। तो हमने क्रीमेशन करवाई, बरियल करवाए, और एक भी लाश कोविड की दिल्ली के अंदर हमने ऐसे नहीं जाने दी कि उसका तिरस्कार हो। आए उसके रिलीजन फॉलो करते हुए, रिलीजियस पर्सन फॉलो करते हुए, हमने सारे उनके रिचुअल्स फॉलो करते हुए उनका अंतिम संस्कार करवाया, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं भारत देश का, सरकार का, राष्ट्रपति जी का, हमारी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज को उन्होंने मानते हुए, एक्नॉलेज करते हुए हमें पद्मश्री से नवाजा। भारत माता की जय। और जिस तरह से आप लोगों ने लोगों की हेल्प की, नाव यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, कितना बड़ा मोमेंट है। मुझे लगता है कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, लेकिन राष्ट्र ने सम्मान दिया, क्योंकि जब हम बीमार हुए तो 125 करोड़ लोगों ने हमें मैसेज भेजे और विश की हमारे लिए। फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत लोगों ने विश की, प्रधानमंत्री जी ने भी विश की। तो आज जब ठीक होके आए हैं तो आज इस अवार्ड में बुलाना, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। मैं IT अवार्ड देने वालों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। और मैं स्पेशली एम्फसाइज करना चाहूँगा इस चीज़ को कि अगर आज हम यहाँ पर हैं तो ये जो PPE किट में जितेंद्र सिंह शेट्टी जी, द प्रेसिडेंट ऑफ सेवा दल इज हियर, ये सिग्निफाई कर रहे हैं हर उस हेल्थ केयर वर्कर को जो एम्बुलेंस चला रहा है, पेशेंट्स की जान बचा रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ब्लड डोनर्स हैं, इनफैक्ट जो शमशान घाट में डेड बॉडीज जलाते हैं, ये जो हेल्थ केयर सेक्टर में लोग सेवा कर रहे हैं उनको ये सिग्निफाई कर रहे हैं इस समय खड़े होकर। और हमें बहुत मान और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी आज भारत सरकार ने भी नवाजा पद्मश्री से, और यहाँ IT अवार्ड में हमें फेलिसिटेट किया जा रहा है। थैंक यू। भारत माता की जय। जोर से भारत माता की जय। वेरी गुड।